थाल को मंदिर के द्वार पे रख दीजिए कफ की माँ। माता रानी ने चाहा तो अनु कुटिया के पांव इस आलते में अवश्य पड़ेंगे। चलिए गिर जाती तो पता क्या होता, हमारा फोन टूट जाता। देख के चलो, मंदिर है, खेल का मैदान नहीं है। What do you mean by देख के चला करो? क्या कहा आपने? देख के चला कीजिए। अरे देख कर तो हम चलते ही हैं, आप देख कर चला कीजिए। एक बार हमसे टकरा गए, ऊपर से हमारी फूलों की टोकरी भी गिरा दी। और हमारे बैलेंस के ऊपर सवाल करते हो? अरे हमारा बैलेंस तो इतना अच्छा है ना कि अगर तेल की सड़क पर एक पाव से स्केटिंग करे ना तब भी ना गिरे। करके दिखा आपको, करे। एक तो नीचे गिरे और एटीट्यूड महाराजों वाले। तुमने मेरा सूट खराब कर दिया। हमने आपका सूट खराब किया? तुम पता भी है ये कितने का है? हमारी क्या बड़े बाजार में कपड़े की दुकान है, तुमको पता होगा कितने का है। और वैसे दिखने में तो 2-3 हजार की सिलवाई है, 3-4 हजार का कपड़ा, 6-7 हजार का तो दिख रहा है। Costed me over a lakh. आहा, इंग्लिश? अरे इंग्लिश बोलने पे ना लोग अमरूद के भी भाव बढ़ा देते। हम सब्जी लेने आते ना स्कूटी से, तब स्कूटी कहीं दूर खड़ी करते, अगर स्कूटी देख ली और टिंडे महंगी दे दिए तो। वैसे मैं बता दूं, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। इंग्लिश सीख ली, काश ये भी सीख लेते। माइंड योर लैंग्वेज। अरे माइंड तो आपको करना चाहिए, मंदिर में अकेले घूम के लड़कियों से टकरा रहे हो। तुमसे किसने कहा कि मैं अकेला? अकेला कहा तो बुरा लग गया, मतलब पक्का गर्लफ्रेंड वाले हैं। इसलिए से आशिक जैसे एक्सप्रेशन है जिसके लिए वेटिंग रूम बन गई है। अरे अगर वेट करना ही है तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कीजिए ना, घर पे किसी ने सिखाया नहीं है कि हंसो मुस्कुराओ तभी कृपा आती है। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना दादी, इनके घर वालों ने तो इन्हें सिखाया नहीं है और हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि इनको सॉरी बोलना सिखाए, लेकिन यह है कि समझ ही नहीं रहे। अब आप ही बताइए, आपके भी तो इन्हीं की उम्र के नाती पोते होंगे ना। I am sure, इनसे तो ज्यादा ही संस्कारी होंगे। ये तो भैया पता नहीं किस घर में पले बड़े, सॉरी बोलने के नाम पे जी पे मेहंदी लगा ली। सॉरी क्या, तुम किसी को कुछ भी बोलने देती हो? हमने क्या किस बंदर पैर रख दिया है जो कुछ बोल नहीं सकते हो? बोलो जो बोल रहे। आप तो क्या ही बोलोगे दादी, आपको कहीं छोड़ दूं? आप अकेली आई हो मंदिर? तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये हमें घर तक छोड़ेगा। ये क्यों ले जाएंगे? क्योंकि ये हमारा पोता है। माता रानी, ये क्या हो गया? क्या करूं, क्या करूं?
सॉरी दादी, हमारा वो मतलब नहीं था। वो बोलने से पहले तोलना सीखो लड़के, और तुम जाओ हाथ मुंह धो लो, पंडित जी बुला रहे। जी। हम भी निकलते। बाय। हाल को मंदिर के द्वार पे रख दीजिए कख की माँ। माता रानी ने चाहा तो अन्नू बिटिया के पांव इस आलते में अवश्य पड़ेंगे। Disgusting. I hate this bloody altar. ये लाल रंग कैसे लग गया तुमको? अब लाल रंग लग ही गया है तो शांति। शायरी लाल रंग लग गया तो शायरी क्यों नहीं कर लेते बेटा? शादी। लाल रंग लग ही गया है तो शादी कर ही लो बिटुआ। करेक्ट, आई एग्री टोटली। भाई मुझे लगता है अब आपकी खुशियों का घड़ा ना भर चुका है, इसलिए आपको शादी कर लेनी चाहिए। माँ, अश्विन से कहिए कि मुझे शादी के बारे में बात करना पसंद नहीं है। अरे बात तो बड़े करेंगे भैया, आपको तो सिर्फ शादी करनी है। भाई क्या कह रहे हैं अश्विन? भाई 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 मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि आप शादी मत करो, और शादी की बात भी नहीं करेंगे भाई। तेरी शादी होगी तब तो उसका नंबर लगेगा। अरे माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, अर्जुन की शादी की बात चल रही है तो हमें वो पुराना रिश्ता याद आ गया जो हमने जोड़ा था। आज अगर अन्नू यहां होती तो अर्जुन की और उसकी शादी हो चुकी होती। आज के दुनिया में सबसे मुश्किल होता है उम्मीद का जिंदा रहना, और हमारे दिल में पिछले 20 सालों से अन्नू के लौटने की उम्मीद जिंदा है, तो अन्नू भी जिंदा होगी। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी अन्नू यही कहीं है।